आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो बहुत लोगों ने नहीं देखा, फटाफट देख लो, कंटिन्यूएशन में रहो ताकि आपको प्रॉपरली समझे कि क्या शुरू है क्या नहीं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मनीष एंड द सविता इज 31। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, अब प्रेजेंट एजेस है मतलब मनीष और सविता का एजेस हमें पता तो नहीं है, तो प्रेजेंट एजेस हमें एक्स और वाई से डिनोट करना पड़ेगा दोनों भी लोगों को, कौन है मनीष और सविता, ठीक है। विद द लेट द प्रेजेंट एज, किसकी प्रेजेंट एज सबसे पहले लेते हैं, मनीष की प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता बी एक्स एंड वाई, ठीक है। लेट द प्रेजेंट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मनीष एंड सविता बी एक्स एंड वाई इयर्स रिस्पेक्टिवली, ओके। अब इसके बाद वाली प्रोसीजर क्या रहेगी, अभी हमने क्या किया सिंपल कि हमने दोनों के एजेस को कंसिडर कर लिया एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, राइट, ओके। अब बात आती है कि उसमें सबसे पहले कंडीशन क्या लिखी है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मनीष एंड सविता इज 31। तो सब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग या कंडीशन फर्स्ट लिख लो, कंडीशन फर्स्ट क्या बोला है उसने, कंडीशन फर्स्ट में कि सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मनीष एंड सविता इज 31। तो सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस क्या है फिलहाल हमारे पास सविता और मनीष के, एक्स एंड वाई, तो क्या करो आप एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या करो 31, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या करो 31, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, 3 years ago की बात करें, मनीष एज 3 years ago, तो 3 years ago मैंने आपको बोला था, जब भी आपको 3 years ago बोला है तो आपको दोनों भी बंदे का 3 years ago का एज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जन है, 2 जन है, कौन कौन है, एक मनीष और सविता है, तो दोनों का भी 3 years ago के एजेस निकाल लेते हैं। तो मनीष एज, मनीष एजेस इक्वल टू एक्स माइनस 3, राइट, क्योंकि 3 years ago की बात हो रही है और मनीष को हमने एक्स दिया है, ओके, और सविता को वाई दिया है, एक्स माइनस 3 ईयर्स मनीष हो गया, सविता एजेस वाई माइनस 3, ठीक है। तो मनीष एजेस कितना हो गया, एक्स माइनस 3 ईयर्स, और सविता एजेस कितना हो गया, वाई माइनस 3 ईयर्स। अब ये दोनों बंदे तो हमने क्या किया, 3 years ago की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, 3 years ago के दोनों व्यक्ति की एज निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया कि नहीं, उसके बाद उसमें क्या बड़ा वो देखते हैं, मनीष एज 3 years ago वॉज 4 times द एज ऑफ सविता, मतलब मनीष की एज 3 साल पहले 4 times एज ऑफ सविता के, 4 times एज ऑफ सविता, 4 times एज ऑफ सविता, तो सविता का एज क्या, वाई माइनस 3, 3 years ago के पहले की बात शुरू हुई यहाँ पे, वाई माइनस 3 है, और मनीष एज कितनी है, 3 years ago की हमने वो निकाल लिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मनीष को पहले कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब मनीष इज 4 times द एज ऑफ सविता, ये है उसका कंडीशन। मनीष इज बोला था मैंने आपको, पहले बोला था इक्वल टू लगाना है, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बोला था मनीष एज 4 times द एज ऑफ सविता बोला है, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4 ऑफ एक्स, वाई माइनस 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि 4 times द एज ऑफ सविता बोला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका कैलकुलेशन निकालें, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखना भूल गया कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हमको क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ तक तो हमारा डेटा गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अकॉर्डिंग, या अपन ऐसा लिख लो कंडीशन वन पे मैंने अप्लाई किया था, ये कंडीशन वन थी यहाँ तक जो हमारी थी, एंड कंडीशन टू 3 years ago की पहले की बात शुरू थी, कंडीशन टू कैसे बन जाएंगी हमारी, कंडीशन टू बन जाएंगी यहाँ पे मैंने मिटा देता, ठीक है, कंडीशन टू बन जाएगी हमारी एक्स माइनस 3 इक्वल टू मनीष का एज कितना, हाँ राइट, एक्स माइनस 3 4 times द एज ऑफ सविता, 4 times द एज ऑफ सविता, 3 years ago की बात शुरू, ठीक है, 3 years ago का डेटा मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 4y - 4 चीज़ क्या होता है, प्लस, तो एक्स माइनस ये प्लस 4y, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे माइनस 12 और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल, यहाँ से x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9, और ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 आ गया, और इसके बाद तो आप खुद सोचकर सॉल्व कर देते थे, तभी मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, सबस्ट्रैक्टिंग करके देखेंगे, राइट, सबस्ट्रैक्टिंग करेंगे। सबस्ट्रैक्टिंग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर सबस्ट्रैक्टिंग करेंगे तो हमें x और ये x सेम दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम, तो हमारे पास इक्वेशन वन क्या है, हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 31 एंड x माइनस 4y, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9। चलो सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, आंसर हो रहा है। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5y, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्लस हो रहा है यहाँ पे 40 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, क्योंकि साइन चेंज कर लिया ना मैंने, माइनस कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी मुझे, 40/5, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 40/5, 5 5 25 6 35 5 5 40। ठीक है, 5 8 40, तो y का आंसर आपका, या y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 आ गई है। ठीक है, अब y की वैल्यू 8 तो आ गई, बट हमारे यहाँ पे काम हो गया क्या, नहीं, हमें अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, जब मैं इसको इक्वेशन में डालता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, दैट्स मैटर। ठीक है, या तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि मैं x की वैल्यू आपको निकाल सकूँ, या आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पॉज कर देना वीडियो और लिख लेना। ठीक है, अभी भी x प्लस वाई इक्वल टू 31, वाई की वैल्यू 8 है, तो x प्लस 8 इक्वल टू 31। ठीक है, x प्लस 8 इक्वल टू 31, और यहाँ से तुमको x इक्वल टू 31 माइनस 8, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस कर दो आप, ये हो जाएगा 20। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 20। अब आपको बस x और y की वैल्यू अभी जो हमके अभी प्रेजेंट एजेस थे, और x किसका था, मनीष का, और y किसका था, सविता का था। ठीक है, तो द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 23 एंड 8 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता, मनीष एंड सविता आर क्या है, 23 क्या ईयर्स, ध्यान रखना है, ईयर्स 23 ईयर्स एंड 8 ईयर्स रिस्पेक्टिव। क्वेश्चन का समझ गया होगा आपको क्या किया मैंने। ठीक है, तो इस पर अभी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर, बहुत इजी क्वेश्चन था, पूछ लिया इसमें, बट थी इंग्लिश और जो भी हमारा थोड़ा अच्छा होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। अभी क्या बोला गया है इसमें, एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री में ऐसे लोग हैं जो जिनके पास एबिलिटी है टू डू द वर्क, मतलब जिनके पास प्रोफेशनल वर्क है, ठीक है, उसे स्किल्ड बोलेंगे, एंड अनस्किल्ड बोले तो जो वर्कर्स होते हैं ना, मजदूर बोल दो हम उसमें, और कुछ जो हाथ काम करते हैं उन्हें हम अनस्किल्ड वर्कर्स बोलेंगे। ठीक है, एंड स्किल्ड वर्कर्स उसे बोलेंगे जो जिसके हाथ में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और जिनके पास प्रोफेशनल वर्क होता है। ठीक है, तो एक फैक्ट्री ऐसी है जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स है, जिसका रेशियो 5:3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास स्किल और अनस्किल्ड को कुछ तो भी हमें रेशो से हमें पता, उसने रेशो तो दे दिया है, बट हमें कुछ वेरिएबल्स के इससे हमें कंसीडर करके ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट, अब उसने निकालने क्या लगाया हमें, फाइंड द डेली वेजेस ऑफ द स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, वेजेस बोले तो जो उसको डेली का इनकम मिल रहा है, डेली का जो बोलते हैं हमें कि हमें डेली का इनकम इतना गिर रहा है। ठीक है, तो वही डेली वेजेस बोलते हैं उसे, स्किल और अनस्किल का कितना हुआ, इसलिए हम वेजेस निकालना है, तो हम वेजेस से ही कुछ कंसिडर करेंगे एक्स और वाई को। देखते हैं हम, लेट द डेली वेजेस
क्योंकि वेजेस निकालना है राइट. लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर, लेट द डेली वेजेस ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स बी एक्स एक्स रुपीज, ठीक है, एक्स रुपीज एंड एंड हम बोल सकते हैं, देखो लेट द डेली वेजेस ऑफ द स्किल वर्कर बी एक्स रुपीज, ठीक है, एंड दैट ऑफ द अनस्किल वर्कर्स जो होंगे हमारे, ठीक है, अनस्किल वर्कर्स के जो हमारे डेली बेसिस वेजेस होंगे वो क्या होंगे, एंड अनस्किल वर्कर्स बी वाई रुपीज, बी वाई रुपीज, ठीक है. लेट द डेली वेजेस ऑफ द स्किल वर्कर बी एक्स रुपीज एंड अनस्किल्ड वर्कर्स बी वाई रुपीज, ठीक है. यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. तो मैंने गिवन डेटा था उस पर से मैंने ये डेटा जो है था हमने लिख लिया है, ठीक है. अब इम्पोर्टेंट इज दैट कि यहाँ पे हमें अनस्किल्ड और स्किल्ड डेटा पूछा है या ऐसा पूछ रहा है कि उसका डेली का इनकम पूछ लिया है, बट उसने तो हमें दे दिया सिर्फ रेशियो दे दिया है. इसलिए रेशियो के हिसाब से अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन की कंडीशन बनानी हो, लीनियर इक्वेशन टू की कंडीशन बनानी हो, तो हमें क्या करना होता है. तो कंडीशन वन, इन फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द स्किल एंड अनस्किल वर्कर्स इज 5:3. तो रेशियो ऑफ द अनस्किल और स्किल वर्कर जो हमने लिखा है वो क्या लिया, एक्स और वाई लिया. तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो रेशियो दे दिया हमें क्या दे दिया है, 5:2, ठीक है. तो यहां से हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 इधर भेज दो वाई उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 3x = 5y, ठीक है. 3x = 5y, 3x = क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा. तो 3x = 5y हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 3x - 5y = 0, ये इक्वेशन हो जाएगा 1, ठीक है. 3x - 5y = 0, इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. अब यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू 1 जो हमारे कंडीशन दिया, तो उस हिसाब से मैंने इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया. अभी जो नेक्स्ट कंडीशन दी वो क्या दी, टोटल सैलरी ऑफ द वन डे ऑफ द बोथ डे, मतलब उसका क्या बोलना है कि जो टोटल सैलरी होगी एक दिन की दोनों की भी वो कितनी होगी, बोलते टोटल बताया थे ना, तो टोटल बताया मतलब हमारे पास एक्स और वाई को तो डेली इनकम तो हमें पता नहीं. तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, टोटल सैलरी ऑफ वन डे दोनों की एक दिन की सैलरी जो होगी वो कितनी होगी, 720 रुपए, ठीक है. तो हम करते हैं, तो सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड क्या होगी, यहाँ पे x + y = 270. क्यों, क्योंकि दोनों की जो सैलरी होगी टोटल वो कितनी होगी, बोलते 720. अब x प्लस y को तो 720 तो आ गया. अब यहाँ पे तो मेरे को लगता कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको. अब इसके सामने क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने हमें समझना है कि एक्चुअली इसका बोलना क्या है. अब यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बट हमें इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के दोनों भी इक्वेशन को देख लो आप, 3x - y = 0 आपका फर्स्ट इक्वेशन है एंड x + y = 720 आपका सेकंड इक्वेशन है, ठीक है. तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x + y = क्या दीजिए आपको, x + y = क्या हो जाएगा आपका, x + y = हो जाएगा आपका 720, ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे -5y है, यहाँ पे y है, तो मैं इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 5 भी लिख सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5x + 5y = 720 × 5 कितना हो जाएगा, करते हैं 720 × 5 = 5 × 5 = 10 × 35 = 36, ठीक है, 3600 हो जाएगा, ठीक है. तो 3600, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब ये जो इक्वेशन आपको, इसको आप 3 नंबर दे दो, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आ गया. अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ तक तो आपको मेरे को लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, सिंपल एडिंग कर लो, एडिंग 1 and 3 को ऐड कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखते यहाँ से 1 and 3 को अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x - 5y = 0 एंड यहाँ से 5x + 5y = 3600
और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है तो 5x प्लस 3x कितना हो जाता है, तो माइनस 8x और ये हो जाएगा 3600 और x इक्वल टू क्या 3600 डिवाइड बाय 8। तो 8 के टेबल में 36 आता है क्या? नहीं, तो हमें कैसा करना पड़ेगा, 8 के टेबल में 36 नहीं आता, पर 8 4 32 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल सकता है जो इसका कैलकुलेशन है x इक्वल टू 8 4 32 एंड बचेगा 2 16 16, तो ये हो सकता है हमारा 450, ठीक है। तो करके देखते हैं हम, 8 4 32 फोर से करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 40 8 5 40 0 0 0 बचेगा एंड 0 0 राइट 0 0 होता है 0 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा 100%, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 8 1 8 8 4 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स के लिए क्या मिलेंगे आपको 450, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 450 तो मिल गया बट हमारा काम हो गया क्या, नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ x मिल गया है बट हमें क्या निकालना, वाई भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x को फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे सब्सिट्यूट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, x स्क्वायर निकल गई है, ये इक्वेशन को मैं वैसे रख देता हूँ, यहाँ पे आपने लिख लिया होगा, पॉज करके वीडियो देखिए, लेते जाओ। यहाँ पे आपको 3x - 5y = क्या मिलेगा 0, इक्वेशन 1 जो हमारा था, इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ x स्क्वायर। सो पुट x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 1 में अगर मैं 450 डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 450 - 5y = 0। तो करते हैं इसे मल्टीप्लाई, तो 450 × 3, 300, 5 × 15, 4 × 12, 13, 14, ठीक है, कितना आ जाएगा 300 × 0, 5 × 15, ओके 4 × 12, 13, ओके 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1350 - 5y = 0। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, -5y = -1350। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप उसको उधर लेके जाओ, ये क्या करेगा 5y = 1350, वैसा करो ऐसा करो, माइनस माइनस ऐसे भी कैंसिल होने वाला है, वाई इक्वल टू क्या करेगा 1350/5, इसे करना पड़ेगा डिवाइड। तो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 1350 और 5 से डिवाइड करना है तो 5 × 10, तो रिमेनिंग बचेगा 3 और ये 5 × 5 = 35, ठीक है, तो ये 270 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको 270, तो 5 × 5 = 5 270 सर, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको 270 मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई, बट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हमारा स्किल्ड और अनस्किल्ड डेटा के बारे में पूछा था, ठीक है। तो स्किल जो पर्सन थे जो हमारे पास पता था कि जो पूरे वर्क को हैंडल कर सकते हैं, जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है, जिनके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और अनस्किल्ड जो होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है तुम्हारा स्किल था और वाई जो था वो अनस्किल्ड था, तो जो एक्स मतलब जो स्किल था उसका जो डेली वेजेस था, डेली वेजेस मतलब डेली इनकम जो था वो कितना था 450 रुपीज़, मतलब हमने जो निकाला है, एंड अनस्किल्ड जो डेटा अनस्किल्ड जो हमारा वर्कर्स है उसके जो डेली वेजेस है वो कितना है 270 रुपीज़। तो हमको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो मैं रफ कर देता हूँ, लिख लिया हुआ, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको मिलना था डेली वेजेस, द डेली वेजेस ऑफ स्किल, डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर्स, द डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर्स इज कितने रुपीज, ये स्किल्ड वर्कर्स हमने निकाला है कितना 450 रुपीज, एंड अनस्किल्ड वर्कर्स कितना हो जाएगा, अनस्किल्ड वर्कर्स का इज क्या निकाला हमें 270 रुपीज। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको कि जो क्वेश्चन उसने पूछा था वो डेली बेसिस पे पूछा था, इसलिए हमने डेली बेसिस का इनकम ही निकाला है।
450 rupees and 270 rupees. स्किल का कितना हो गया 450 एंड ऑब्वियस वर्कर का तो कम ही पगड़ रहेगा, और जो जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास डिग्री है, तो उसको ज़्यादा पगड़ मिलेगा। तो यही था क्वेश्चन का मेरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट, उसका क्या बोलना है कि आपके पास एक स्टेट रोड है, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। ए के पोजीशन पे कौन खड़ा है? ऑन स्टेट रोड, हमीद फ्रॉम ए टू बी, हमीद फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो हमीद क्या कर रहा है? हमीद ट्रैवल्स लिखा बैठा है यहाँ पे, हमीद ट्रैवल्स ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। हमीद क्या कर रहा है? ट्रैवल्स कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी पे ट्रैवल कौन कर रहा है? हमीद कर रहा है। तो हमीद कहाँ पे? यहाँ पे पोजीशन पे। तो ए टू बी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मतलब हमीद ए टू बी ट्रैवल कर रहा है, मतलब हमीद ए से निकलेगा, बी पे जाके पहुंचेगा, ठीक है। पहुंचेगा कि नहीं, मतलब अपना क्वेश्चन का बाद में क्या बोला है वो देखते हैं। एट द सेम टाइम द जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन अ बाइक ट्रैवल टूवर्ड्स इट। जोसेफ यहाँ पे खड़ा है और वो कहाँ जा रहा है? बोलते ए के पास, मतलब हमीद के पास। सिंपल, हमीद के पास मतलब हमीद के डायरेक्शन से, नॉट पास, ए के डायरेक्शन से जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल टूवर्ड्स से बोला है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। सबसे पहले तो इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों के इसमें से जो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है कितना, 30 किलोमीटर है, ठीक है। और इन दोनों में का जो डिस्टेंस है कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। ये 30 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बोला ना उसने, प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है इसे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ए मतलब जो हमीद है उसको बी की तरफ जाना है, और बी है उसको ए की तरफ जाना, और बी पे कौन खड़ा है? जोसेफ खड़ा है, और 30 किलोमीटर उनका बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे पढ़ना है हमें कि दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स बाद वो एक मेक को मिले। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जोसेफ, मतलब यहाँ से अगर मैं हमीद निकल रहा है और यहाँ से जोसेफ आए, और ये दोनों कितना 20 मिनट्स में एक मेक को मिले, 20 मिनट्स में एक मेक को मिला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमीद ने कवर किया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो जोसेफ ने कवर किया इक्वल टू कितना? 30 किलोमीटर। यहाँ पर इक्वेशन बन सकता है क्योंकि उसने 20 मिनट्स में कवर किया। अब बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये है कि इफ द जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है वो देखते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद, मतलब ये स्पीड पे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है, स्पीड पे क्वेश्चन किया गया, और आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता है कि जो हमें निकालना होता है उसे हम कुछ कंसीडर करते हैं वेरिएबल से, अभी तक हमने वही क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले डेटा लिख लेता हूँ जो हमारे पास इसने गिवन दिया, या सपोज कर लेता हूँ क्योंकि हमें सपोज करना पड़ेगा, हमें एक स्पीड सपोज करनी पड़ेगी प्रति किलोमीटर पर, किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। सपोज हमें स्पीड इज एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड जोसेफ स्पीड इज वाई किलोमीटर, ठीक है, वाई किलोमीटर प्रति आवर। सपोज हमीद स्पीड इज एक्स किलोमीटर प्रति आवर एंड जोसेफ स्पीड इज वाई किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आपको यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन का डेटा दिया गया, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर इस पे निकालना है, स्पीड पे निकालना है, इसलिए हमने सपोज कर दिया एक्स किलोमीटर एंड वाई किलोमीटर, बट यहाँ तक हमारा काम नहीं हुआ। अभी हमें कंडीशन वन की तरफ जाना पड़ेगा। तो कंडीशन वन का है क्या बोल रही है हम देखते हैं। कंडीशन वन बोल रही है कि इफ द जोसेस हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो बाकी कंडीशन सबसे पहले वाली कंडीशन देखते थे, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद वो एक मेक को मिले। समझा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एच जो हमीद है वो एक डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है, मतलब चल रहा है, एंड यहाँ पे जोसेफ इन डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है, चल रहा है, तो एक मेक को वो मिले कहाँ? 20 मिनट में मिले। कितने मिनट में? 20 मिनट में। अब 20 मिनट में मिले तो हमें ये थोड़ी पता उसने कि 20 मिनट में हमीद ने इधर ट्रैवल किया और जोसेफ ने इधर ट्रैवल किया, सिर्फ उन्होंने बोला क्या कि 30 किलोमीटर वो टोटल डिस्टेंस को कवर करना है,
और वो मिले 20 मिनट में, तो यहाँ तक का यहाँ जो डिस्टेंस है एक 20 मिनट्स वाला, और यहाँ से यहाँ तक का है 20 मिनट्स वाला। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी लिख सकता, मैं यहाँ पे भी लिख सकता, क्योंकि डिपेंड है ऑन द स्पीड ऑफ द बाइक, बाइक के स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब हमीद और जोसेफ ने फोन करके तो बोला नहीं होगा एक मिनट को कि भाई यहाँ से मेरी इतनी स्पीड है तो तू ब्यूटी रख, ठीक है, और गाड़ी क्या है इट्स अप्रोक्स, जो हमें पता नहीं होता कि कॉन्स्टेंट स्पीड तो कभी हम लिखेंगे नहीं, स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकर्स ब्रेकर्स बहुत सी चीज़ें होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी, ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि दोनों ने भी 20 मिनट्स के बाद मिले हैं। कितने मिनट्स के बाद? 20 मिनट्स के बाद दोनों भी जन एक जगह पे मिले हैं, ठीक है, तो 20 मिनट्स बाद, तो 20 मिनट्स बाद हमें दोनों को भी कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। बट इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं हम, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल इन ट्रैवल्स इन 20 मिनट्स, ठीक है, मतलब 20 मिनट हमीद ने भी ट्रैवल किया और 20 मिनट जोसेफ ने भी ट्रैवल किया। जोसेफ ट्रैवल से लिखा, मैं डिस्टेंस भी लिखता हूँ, आपने कितने डिस्टेंस 20 मिनट्स, और ये टोटल कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ने भी कितने 20 मिनट्स में 30 किलोमीटर को कवर किया, इसलिए मैंने प्लस में लिखा, ठीक है, क्योंकि इसका 20 मिनट और इसका 20 मिनट टोटल कितने किलोमीटर 30 किलोमीटर कवर करिए ना, ठीक है, अरे यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमें पता है कि हमें डिस्टेंस इन 20 मिनट्स, अब आपको पता है कि जो हमीद ने ट्रैवल किया, ठीक है, अब हमीद ने जो ट्रैवल किया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितने मिनट में ट्रैवल किया, उसने 20 मिनट में ट्रैवल किया, और जो हमने स्पीड डिफाइन की थी, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा टाइम को उधर इनटू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी हमने एक्स कंसीडर किया है देखो, और टाइम कितना है 20 मिनट, मतलब जो हबी डिस्टेंस ट्रैवल इन 20 मिनट्स होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हबी ट्रैवल डिस्टेंस इन 20 मिनट्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x इंटू 20 मिनट्स प्लस, और जोसेफ ट्रैवल इन 20 मिनट्स कितना हो जाएगा, y इंटू 20 मिनट्स इक्वल टू क्या 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात आती है आपकी कन्फ्यूजन में कि यहाँ पे अगर मैं 20 मिनट्स इनको x कर लूँ, मतलब वो कितने तो भी आवर का 20 आवर का या कितने तो भी आवर का वो 20 मिनट्स में कवर करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर, क्योंकि प्रति आवर से हम सोचते हैं, ठीक है, कैसे सोचते हैं हम क्वेश्चन को, किलोमीटर प्रति आवर से सोचते हैं, ठीक है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 20 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, x इंटू 20 अपॉन 60, ठीक है, प्लस y इंटू 20 अपॉन 60 इक्वल टू 30, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा देखो 0 0 कैंसिल, 2 1 2 3 6 2 3 6, तो 1/3x, ये भी सेम 2 1 2 3 6, 1/3y इक्वल टू 30, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ होल, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/3x प्लस 3 × 1/3y इक्वल टू 30 × 3, तो 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो x प्लस y और ये 33 जगह 9 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 5, क्या तक आपको समझ गया, मैंने क्या किया सिंपल कन्वर्ट किया 20 मिनट्स को आवर में, और वो हमारा 20 मिनट्स को आवर में करने से 60 से डिवाइड करना पड़ा, तो ये थी कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक 20 मिनट्स को उसने डिस्टेंस को कवर किया, उसका मैंने डेटा निकाल के दिया, ये आप लिख लो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर, तो मैं इसका बता देता हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा जो आपको लगे ठीक, तो वीडियो पॉज करके लिख ले जाओ। अब देखो यहाँ पे सेम कंडीशन अगर बात करें, इफ जोसेफ फूड हैज स्टार्टेड फ्रॉम बी एट अ सेम, देखो मैं थोड़ा सा वापस ये चीज बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे है हमीद, यहाँ पे जोसेफ,
उसका क्या बोलना है कि इफ द जोसेफ हैज स्टार्टेड फ्रॉम बी, बी से अगर जोसेफ स्टार्ट कर रहा है एट सेम टाइम बट इन अपोजिट, अपोजिट मतलब ये डायरेक्शन से, ठीक है, पहले वो ये डायरेक्शन से जा रहा था अभी ये डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन बोला ना उसने, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड टूवर्ड्स ए, ठीक है, इंस्टेड टूवर्ड्स ए। अब यहाँ पे बी डायरेक्ट, ये जोसेफ अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, अब सी, अब उसने ऐसा ये नहीं बोला कि सी पे जाना, मैं जनरली लेके बता रहा हूँ वो जा रहा है, ठीक है, तो कहीं जाके तो रुकना ही है उसको, तो सी पे अगर फॉर एग्जाम्पल उसने जाना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। हमिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर थ्री ईयर्स, हमिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर थ्री ईयर्स, तो ऑब्वियस है बी को सी पे जाने के लिए भी थ्री आवर्स ही लगेंगे, एंड हमिद को सी पे जाने के लिए वो भी कितने लगेंगे, थ्री आवर्स ही लगेंगे। अब तुम बोले सर थ्री वाई क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या किया है एक्स किलोमीटर प्रति आवर से लिया, तो तीन घंटे में कितना हो जाएगा एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर, थ्री एक्स किलोमीटर, एक आवर, दो आवर, तीन आवर, थ्री एक्स किलोमीटर हो जाएगा, थ्री एक्स किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, एंड यहाँ पे भी थ्री वाई। अब इंपॉर्टेंट है जोसेफ भी तीन आवर के बाद पहुंचा, जोसेफ भी तीन आवर के बाद पहुंचा कहाँ पे सी पे, ठीक है, एंड हमिद कितने आवर बाद पहुंचा बोलते, हमिद ने उसको कैच किया, मतलब हमिद क्या कर रहा है जोसेफ के पीछे पीछे जा रहा है, जोसेफ के पीछे पीछे जा रहा है, पर जोसेफ वो पीछे बैठा तो जोसेफ को तीन ओवर लगे, तो दोनों के बीच हम आवर निकाल रहे हैं आफ्टर थ्री ओवर्स, ठीक है, तो वही बोलना उससे, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन हमिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर थ्री ओवर्स, तो दोनों के लिए आफ्टर थ्री ओवर्स मैंने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन कुछ करके दिए, हम हमें कभी भी बिफोर एज दिया तो हम दोनों के भी एज निकालते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, ये हमें करना है इसमें भी, ठीक है, तो आफ्टर थ्री ईयर्स बोला, थ्री ओवर्स बोला, इससे हम बी टू सी थ्री ओवर्स ले रहे हैं, और ये कितना 30 किलोमीटर, ठीक है, तो 3x कितने किसके इक्वल हो जाएगा 30 प्लस 3y, 30 और 3y के इक्वल हो जाएगा, क्यों 30 और 3y के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन था हमिद था और यहाँ पे कौन था जोसेफ था, ठीक है, तो हमिद क्या कर रहा है पूरा ये रूट ले रहा है, पूरा रूट ले रहा है, उससे भी 3 ओवर से लग रहे, ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे ये कंडीशन कैसे बन जाएगी। सेकेंड कंडीशन अगर हमें बनानी हो तो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 30 और 3y ये 3x के इक्वल हो जाएंगे, 30 और 3y किसके इक्वल हो जाएंगे 3x के इक्वल हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि क्वेश्चन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे चलो ठीक है 3 ओवर्स लग रहे हैं, बट यहाँ पे हम कंडीशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3x है और ये 3x किसके इक्वल हो रहा है 30 और 3y के, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो 30 प्लस जो 30 और 3y किसके इक्वल आ गया 3x के इक्वल आ गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कंडीशन हमने बनाई है इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 3x ये 30 और 30 और 3y के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 30 प्लस 3y, राइट, क्योंकि आपको पता है कि 3x 30 और 3y के इक्वल है, और यहाँ से इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3x माइनस 3y इक्वल टू 30, क्या किया सिंपल मैंने यहाँ पे प्लस 3y तो यहाँ पे आके माइनस कर दिया, अब यहाँ पे क्या कर लो आप यहाँ से आप क्या कर लो 3 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 3 क्या मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, क्योंकि 1 जो हमने निकाला था वो निकाला था x प्लस वाई इक्वल टू 9, याद होगा थोड़ी देर पहले आपने लिखा होगा जब मैंने मिटा दिया था तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ और 1 और 2 को वापस सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन से मैं ये कैसे बना ये भी आप देख सकते हो, ये कंडीशन 2 है, ठीक है, कंडीशन 2 जो हमने बनाई है, ठीक है, 3x इक्वल टू 30 प्लस 3y, तो ये आप देख लीजिए फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी निकाल लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा इक्वेशन आया था x प्लस y इक्वल टू 90 पहला इक्वेशन एंड दूसरा x माइनस y इक्वल टू इक्वेशन वन और इक्वेशन। तो यहाँ से दो इक्वेशन तो हमें मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे इसे सॉल्यूशन हम कैसे निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आपको सिंपल एडिंग, मैं ये इतना लोड दे के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो आपको लोग किया था एडिंग 1 प्लस 2, क्योंकि सिर्फ कंडीशन को कैसे बनाना था ये तो आपको भी आता है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, तो इम्प्लाइज करके क्या हो जाएगा x इक्वल टू 100 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, सिंपल x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ये जो x इक्वल टू 50 है आप 1 में डाल सकते हो, तो 1 में डाल दिया तो क्या हो जाएगा 50
प्लस वाई इक्वल टू 19, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 50, वाई इक्वल टू क्या जाएगा 40, हो गया सिंपल। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल कर सकते हैं स्पीड, द स्पीड ऑफ हमीर्स एंड स्पीड ऑफ हमी एंड जोसेफ, स्पीड ऑफ हमी एंड जोसेफ इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो आपको अंडरस्टैंड करना, सिंपल क्वेश्चन था। जो भी मैंने कंडीशन बताई प्रॉपरली आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपके ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और प्रॉपर इसे फॉलो कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं इसमें अपने चैलेंजिंग क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ गया, आई होप सो। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो नेक्स्ट चैप्टर भी रह सकता है, या हम और कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन पे भी ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, थैंक यू।